जय श्री कृष्णा। आज हम एनसीईआरटी संस्कृत बुक जो है रुचिरा, उसमें जो क्लास 8 का चतुर्थ पाठ है सदैव पुरत निधे ही चरणम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो चतुर्थ पाठ है सदैव पुरत निधे ही चरणम, ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। मतलब श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो कवि है वो राष्ट्रवादी कवि है, उन्होंने यहाँ पर कहे है कि जो हमारे जीवन में जो चुनौतियां आते हैं उसको स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो आगे बढ़ेगा वो सीखेगा, जो रह जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने से हमें शिक्षा मिलता है, हम हमारे मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर कवि है ये राष्ट्रवादी कवि है, और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। मतलब काम करना चाहिए, कर्मठता से हमें काम करना चाहिए, काम करने से हमें मुक्ति मिलता है। तो यहां पर काम करने का जो तरीका और आगे बढ़ने का इरादा दिया गया है, हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमको ये समझ जाएगा। पहले ये गीत है तो गीत को गीत की तरह ही पढ़ना चाहिए। गीत का नाम क्या है? सदैव पुरतः निधे ही चरणम। चल चल पुरतः निधे ही चरणम, सदैव पुरतः निधे ही चरणम, गिरि शिखरे खलु निज निकेतनम, विनैव यानम नागर हरणम, बलम सकियम भवति साधनम, सदैव पुरतः निधे ही चरणम, प्रोथी प्रसना विषमा प्रखरा, हिंसा प्रसव परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतः निधे ही चरणम, जहि ही भ्रांति भज भज शक्तिम, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम धेयम स्मरणम, सदैव पुरतः निधे ही चरणम। तो यहां पर बताया गया है कि चल चल पुरत निधे ही चरणम, चलो मतलब आगे बढ़ो, पुरत मतलब आगे, निधे ही मतलब रखो, चरणम मतलब पैर, पैर को आगे रखो मतलब आगे बढ़ो, आगे चलो। सदैव पुरत निधे ही चरणम, सदा आगे बढ़ना चाहिए। गिरि शिखरे मतलब पर्वत पर, पर्वत के शिखर पर, ननु मतलब निश्चित, निजो निकेतनम खुद का गृह बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए। बिना वो यानम नागर हरणम मतलब कि पर्वत में तैरना चाहिए, पर्वत में आरोहण करना चाहिए, किसी जान मतलब किसी व्हीकल्स के बिना ही पर्वत में आरोहण करना चाहिए। बलम सखियम भवति साधनम, खुद के बल को साधन बनाना चाहिए अर्थात बलवान होना चाहिए। सदैव पुरत निधे ही चरणम और हमें आगे बढ़ना चाहिए। पोथी पसना विषमा प्रखरा मतलब पोथी जो है मतलब पथ, हमारे जो पथ है मार्ग है वो पसान से घिरा हुआ है, और ये विषम है मतलब ये समस्याओं से घिरा हुआ है, समस्याओं प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, समस्याओं से घिरा हुआ है। तो हमें ये समस्याओं को
स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। हिंसा पशव पोरितो घोरा, सर्वदा सर्वत्र जो पशु है, मतलब हिंसो पशु वाइल्ड एनिमल, ये सारे हमारे पथ को घेर कर रखा है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि हमें जाना बहुत कठिन है तब भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। सदैव पुरत निधे ही चरणम, जो ही भीति भजो भजो शक्ति, हमें शक्ति का भजन करना चाहिए। और विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, राष्ट्रे देश के प्रति अनुरक्ति रखना चाहिए, देश के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, सर्वदा हम लोगों को ध्यान स्मरण करना चाहिए। सदैव पुरत निधेहि चरणम, सर्वदा सदा हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे पैर को रखना चाहिए, आगे जाना चाहिए। ये जो चतुर्थ पाठ है हमने अभी पढ़ा, सदैव पुरत निधेहि चरणम, इसको हमें शिक्षा ज्ञान मिलता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें सदा आगे बढ़ना चाहिए। तो हम इसको हमारे जीवन में भी प्रयोग करेंगे और मुझे आशा है कि सब लोग अष्टम कक्षा का सभी छात्र छात्रियों समझ पाए हैं और इसके जो अनुशीलनी का जो पाठ है, अभ्यास पाठ है, वो हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे।